कोठदू में धान की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन महंगाई के बायस किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि महंगाई के बायस अखराजात भी पूरे नहीं होते। किसानों ने हुकूमत वक्त से धान की फसल की कीमत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से देखते हैं इब्राहिम की ये रिपोर्ट। कोटद्दू में धान की फसल पककर तैयार हो गई, लेकिन महंगाई के बायस किसान परेशान दिखाई देते हैं। महंगी बिजली और डीजल ने किसान की कमर तोड़कर रख दी। किसानों का कहना है कि महंगाई के बायस अखराजात भी पूरे नहीं होते। हुकूमत धान की फसल की कीमत में इजाफा करे। कौमक ने जितना रेट निकाला है चावलों का, ये बहुत कम है। इतना महंगाई है, खाद इतनी महंगी है, डीएपी 13,000 रुपए की मिल रही है, कहाँ से पूरा करेंगे हम? हमारे तो इतने खर्चे हो गए हैं, आगे गंदम ही नहीं बीज सकते। हुकूमत को चाहिए इसका रेट। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में आयद टैक्सेस को खत्म किया जाए और सब्सिडी रेट पर खाद और बीज को फराहम किया जाए, ताकि बासानी वो धान की फसल को काश्त करके अपनी मेहनत का फल पा सके। कैमरा टीम के हमरा इब्राहिम रहमानी, A1 TV, कोटद्दू।